ये कोई मामूली चक्र नहीं है तबा तबा है, ये समय चक्र है और इसी समय चक्र में समाकर सभी लोग आदि युग पहुंच जाएंगे। प्रचंडिका, लेकिन उनको भेजेगा कौन? खुद आदि बाल। आदि बालक? पर क्यों, कैसे? अरे है नहीं वो इतना बेवकूफ के भेज दिया अपने दोस्तों को आदि युग में? आदि बालक को तो पता ही नहीं चलेगा कि वो ये सब कर रहा है, क्योंकि उससे ये सब उसकी कलाई पर लगा हुआ हूबहू कलाई बंद कराएगा। हूबहू कलाई बंद? हाँ शातिर परी, जब मैं परीलोक गई थी तो मैंने आदि बालक की कलाई पर आदि कालम किताब पर इस चक्र जैसे ही हूबहू कलाई बंद लगा दिया था। खड़ी मुझा, आदि मुझा। बस अब आदि बालक उस हाथ से जिसे भी छुएगा वो हूबहू कलाई बंद में से निकले मोकिरी किरणों से आदि बालक जैसा बन जाएगा और कुछ ही समय बाद मोक्यूरी बनकर आदि कालम किताब के समय चक्र में समाकर आदि युग पहुंच जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है इसका असर हमें बहुत जल्द दिखाई देगा और इस बार हमें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसका हल ना रानी परी के पास है और ना ही बालवीर के पास। अब देखते ही देखते बालवीर भी आदि बालक जैसा बनकर आदि कालम में समाकर आदि युग पहुंच जाएगा और इसी के साथ बालवीर का नामो निशान मिट जाएगा। परियों, आप सब की बातों को सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आदि बालक बालवीर और बच्चों के साथ पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे। लेकिन रानी परी, पृथ्वी लोक में भी तो आदि बालक के लिए खतरा है। हम जानते हैं डरी परी, आदि बालक के लिए पृथ्वी लोक और परी लोक दोनों जगह पर खतरा है, लेकिन कम से कम ये पृथ्वीलोक से अनजान तो नहीं है, क्योंकि जब ये पृथ्वीलोक पर आखिरी बार गया था तब इसने कई सारे दोस्त बनाए थे। हाँ बालवीर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसीलिए आदि बालक को पृथ्वीलोक पर ही रखा जाएगा, क्योंकि जब तक हमें आदि कालम किताब नहीं मिल जाती आदि बालक वहाँ खुशी से रह सकते हैं। खड़ी मुझा, आदि मुझा। लेकिन रानी परी, फिर भी हमें सुरक्षा के कुछ उपाय तो करने ही चाहिए ना। बालपरी, आप आदि बालक की सुरक्षा की चिंता मत कीजिए, हम आदि बालक के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाएंगे। जब भी वो किसी खतरे में होंगे बालवीर को तुरंत पता चल जाएगा। और ये सुरक्षा कवच आदि बालक को बुरी शक्ति के वार से बचाएगा। खड़ी मुझा, आदि मुझा। बालवीर, अब आप आदि बालक को अपने साथ पृथ्वी लोक लेकर जाइए। जी रानी परी। आता कितना मजा आदि बालक के साथ खेलने में हमें, लेकिन चला गया बिना मिला इस बार भी हमें वो। खड़ी मुझा, आदि मुझा। चाहता तो था कि करें हम खूब मजा तुम्हारे साथ यहाँ, पर नहीं कोई बात, अगली बार करेंगे खूब मस्ती यहाँ। अच्छा
समय चक्र घूम रहा है। इसका मतलब आदि बालक ने अपने हाथ से किसी को छुआ है। फिर मिलेंगे। खाली मुझा, आदि मुझा। बहुत जल्द सभी लोग आदि बालक जैसा बनकर इस आदि कालक किताब के समय चक्र व्यू से सीधे आदि युग पहुंच जाएंगे। प्रचंड विनाश काल है मेरा, प्रचंड नाम है मेरा। मानो मेहर, मैं तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त को लेकर आ गया जो अब और भी शरारत करेगा। आदिपालक वापस आ गया, तुम्हें पता है आज ही हम तुम्हें याद कर रहे थे। लेकिन मानो हमें सावधान रहना होगा क्योंकि आदि कालम किताब प्रचंडिका के पास है। और ठीक है बालवीर, पर वो खतरे के डर से हम दुखी होकर बैठ तो नहीं सकते ना। जब तक ये आया तब तक हम लोग मस्ती करेंगे, है ना? खड़ी मोजा आदि मोजा, ये और इसका खड़ी मोजा आदि मोजा। बाली मुझे ना एक बार आदि युग में जाके ये देखना है कि खड़ी मोजा आदि मोजा का मतलब क्या होता है। कभी नहीं, मैं ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि एक बार जो आदि युग में जाता है वो वहां से वापस कभी नहीं आ सकता। अरे बालवीर तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? माना तुम बड़े शरारती हो और तुमने हमें परेशान भी बहुत किया था पर मजा भी बहुत आया था। खड़ी मोजा आदि मोजा ये कहना चाहता है कि तुम सब चिंता मत करो, ये तुम्हें और भी परेशान करेगा। अरे वाह, तो इस बात पर दे ताली। खड़ी मोजा आदि मोजा। अरे मतलब हाथ को ऐसे उठाना है और फिर ताली देना है, बस हो गई ताली। माना ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम और आदि बालक दोनों मस्ती करोगे तो दोनों में फर्क क्या रहेगा? अगर तुम भी मस्ती करोगे तो उसे कौन समझाएगा? आदि कालम किताब प्रचंडिका के पास है और आदि बालक यहाँ पर है, पर एक तो हमें ये भी नहीं पता प्रचंडिका के दिमाग में चल क्या रहा है, इसलिए अब हमें और भी सावधान रहना होगा। ठीक है बाजी। रोकी भैया ये देखिए मैंने खीर बनाई है। अरे बाप अभी मजा आएगा। रोक भैया जल्दी से टेस्ट करके बताइए कि मेरी खीर कैसी बनी है। अरे भाभी आपकी खीर में टेस्ट करना क्या, हम सबको पता है कि आप जब भी खीर बनाती हैं तो लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हाँ लेकिन इस बार मैंने अलग तरीके से बनाया, इसलिए जल्दी से टेस्ट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। खड़ी मोजा आदि मोजा, खड़ी मोजा आदि मोजा। खीर की खुशबू इतनी अच्छी है तो खीर कितनी अच्छी होगी। चलो अब खाता हूँ। खड़ी मोजा आदि मोजा। खीर कहाँ गई? शायद मैंने खीर ली नहीं होगी, कोई बात नहीं। खड़ी मोजा आदि मोजा। खीर फिर गायब हो गई। यहाँ पे कोई खीर खाने वाला चोर है क्या? लेकिन यहाँ पे मेरे अलावा तो कोई नहीं है। लगता है यहाँ पे पक्का कोई खीर खाने वाला भूत है। एक काम करता हूँ, मैं सारी खीर ले लेता हूँ, कहीं ये ना गायब हो जाए। खड़ी मोजा आदि मोजा।
चली गई। रॉकी भाई आपने खीर टेस्ट की? रॉकी भाई आपने क्या किया? मैंने आपसे खीर टेस्ट करने के लिए कहा था, आपने सारी खीर खत्म कर दी, हम बाकी सब क्या खाएंगे? नहीं नहीं भाभी, मैंने तो अभी तक एक चम्मच भी खीर नहीं खाई। आपने अगर एक भी चम्मच खीर नहीं खाई तो खीर क्या हवा में उड़ के चली गई? हाँ। क्या ये शोर कैसा? हाँ मम्मी कभी भी रॉकी चाचा को कुछ नहीं बोलती। हाँ बालवीर तेरे कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ यानी आदि बालक? आदि बालक कौन है? ये है कौन और कहां से आया है ये? मुझे सब पता चल जाता है। हाँ मुझे ये बताओ कि ये इतना बड़ा ऑफिस का फैसला लेने वाला ये है कौन? कोई बात नहीं, कल ऑफिस आता हूं और सब ठीक करता हूं। ओके बाय बाय। चीज अच्छी है, हाथ दोनों से फ्री रहते हैं और बात भी हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरी खीर कौन खा गया? लगता है कोई ना कोई तो है। क्या कर रहा है रॉकी? ऐसे क्यों यहाँ बैठा क्यों है? नहीं नहीं बैठा नहीं हूँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहा है? ढूंढ। लेकिन एक बात है, मुझे परेशान किए बगैर। हाँ बोल। हाँ 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 देखो क्या कर रहा है रॉकी। अरे भाई मना किया है तुझे परेशान करने के लिए। आदि मोजा आदि मोजा। बोला खड़ी मुझे आदि मुझे? आपने बोला? तूने नहीं बोला है? तूने नहीं बोला है तो फिर किसने बोला? खड़ी मुझे आदि मुझे किसने बोला? मालवीर अच्छा हो तुमने सही समय पे आदि बालक को वहां से हटा दिया, वरना आज हम सब फंस जाते। खड़ी मुझे आदि मुझे। मानव और प्रचंडिका के आक्रमण के बाद हमें परिलोक की सुरक्षा और कड़ी करनी होगी। हाँ इस बार हम सुरक्षा तरंगों का जाल भी लगा देंगे, तो इससे अगर दुश्मन हवा बनकर भी आएगा तो भी हमें पता चलेगा। लेकिन हमें डर है कि हम कितने भी सुरक्षा के उपकरण लगा दें मगर फिर भी प्रचंडिका उसका तो ढूंढ ही लेगी। हो सकता है ये सही हो डरी परी, लेकिन हमें अपनी तरफ से तो सावधानी बरतनी होगी। हाँ दरी परी बिल्कुल सही कह रही है, उसने आदि बालक को वापस बुलाने के लिए हीम दानव का आक्रमण करवाया। बहुत ही चालाक है ये प्रचंडिका। हाँ और पता नहीं इस बार प्रचंडिका
आदिकालम किताब के साथ कौन सा नया षड्यंत्र रचा रही होगी। चुलबुली तितली, ये क्या हो रहा है? ये डुबा डुबाऊ आदि बालक जैसे आदि युग के क्यों बने हुए हैं? और चुलबुली तितली, क्या हो रहा है ये सब? क्यों डुबा डुबाओं को डरा रही हैं आप? मैं नहीं डरा रही, बल्कि पता नहीं ये मुझे देखकर क्यों डरकर ऐसे भागे जैसे मुझे पहली बार देखा हो। चुलबुली तितली, आप जाइए, हम देखते हैं। ये क्या हाल बना के रखा है डुबा डुबाई? और ये कौन सी शैतानी सूझ रही है? अरे डुबा डुबाओ, ये क्या आदि बालक जैसे हर एक चीज को इतनी गौर से देख रहे हो जैसे कि पहली बार देखी हो? अरे ये तो आदि बालक जैसे आवाज निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है? रहो परियों, खुश रहो। रानी परी, आप कहाँ चली गई थी? बाल परी, हम आदि कालम किताब की खोज के सिलसिले में गए थे, लेकिन प्रचंडी का उस किताब के साथ कहाँ है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। रानी परी, हमें आपको कुछ बताना है। बताइए भटकाती परी, आप क्या बताना चाहती हैं? डुबाओं का इतना साहस कि वो रानी परी का रथ लेकर उड़ गए। हमें तो डर है कि परीलोक में कुछ बहुत बुरा होने वाला है।